आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर MN ऑफ लेंथ 4m। अच्छा, इसका लेंथ जो है MN वायर का वो 4 मीटर है। ओके, और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर बराबर 0.1 टेस्ला। जो हमारा ये B वेक्टर है वो 0.1 टेस्ला है अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ओके, और एंगुलर स्पीड जो इस रॉड का है वो 10 रेडियन पर सेकेंड है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये है? ओके, ये जो पेन का जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ये तो इसी के पैरेलल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। तो एम और एन के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी रॉड है तो रॉड अगर रोटेट करता है इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उसको इस तरह डिनोट करते हैं, तो जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है ई इंटू बी वी इंटू एल स्क्वायर बाई टू, जहाँ पे ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ओमेगा जो हो गया हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, बी जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एल जो हो गया लेंथ ऑफ रॉड हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक रॉड जो है इस तरह मूव करेगा ओ एन। ओके, जिसका लेंथ हो जाएगा 3.2 मीटर, और दूसरा जो होगा दूसरा रॉड ये रहा ओ एम, जो कि इस तरह मूव करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों रोड, हम इसको इस तरह दो रोड के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग हम क्या निकालेंगे पोटेंशियल ई, और दोनों को माइनस कर देने से हमारा जो है एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस रोड के लिए जो हमारा ई वन हो गया वो हो जाएगा बी इंटू ओमेगा इंटू एल वन स्क्वायर बाई टू, इसको एल वन कर दे इसके लेंथ को। तो इसके लिए जो E2 हो जाएगा B ओमेगा L2 स्क्वायर बाई टू, इसका वैल्यू हो जाएगा B इज 0.1 इंटू ओमेगा इज 10 इंटू L1 इज 3.2 का स्क्वायर बाई टू, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका लेंथ 0.8 दिया गया है OM का, तो 0.1 इंटू 10 इंटू 0.8 का स्क्वायर बाई टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, 64, 6, 10, 24। ओके, तो दिस विल बी अराउंड 5.12 वोल्ट एंड दिस विल बी अराउंड 0.32 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो 0.32 वोल्ट आ गया, और इस पार्ट का आ गया 5.12 वोल्ट। ओके, और जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह दोनों का, ये इधर का पॉजिटिव होगा जीरो जो है वो नेगेटिव होगा, उसी तरह एम पॉजिटिव होगा जीरो नेगेटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, तो जो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा वो एम की तरफ होगा, और इस केस में जो है इधर आ रहा है तो एन की तरफ हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और वो जो है दोनों केस में नेगेटिव पोटेंशियल की तरह काम करेगा। तो जो हमारा E2 माइनस E1 आ गया, E1 माइनस E2 इजिकल टू 5.12 माइनस 0.32 इजिकल टू 4.8 वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। ओके, दिस इज फाइनल आंसर 4.8 वोल्ट। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।